नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवक जसमेर सिंह चौहाला जी। वो जल्द एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी होगी, उनसे आज बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जल्द एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी होगी, इसका क्या मकसद रहेगा, क्या जरूरत पड़ी आपको कि ऐसा लगा कि आपको पार्टी का गठन करने की जरूरत है? हमें लगा कि हमारे जम्मू के साथ जो है 70 साल से जो है भेदभाव हुआ है, हमारा आवाम का काम नहीं हुआ है, और इसलिए हमने अपना क्षेत्रीय दल बनाने का सोचा है कि हम अपना क्षेत्रीय दल बनाएंगे और आवाम का काम करेंगे। सर, किस तरह का भेदभाव हुआ जम्मू के साथ, बेरोजगारी रोजगार को लेकर हो या किन मुद्दों को आप भेदभाव के रूप में देखते हो? हमारा जो है बेहतर हर क्षेत्र में हमें जो है हमारा काम नहीं हुआ, हमारे युवा जो है पढ़े लिखे हैं बेरोजगार घूमते हैं, और हमारा ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे कि हमारा विकास नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ा गया है, हमें अपने क्षेत्रीय दल बनाना चाहिए और अपने आवाम का काम करेंगे। सर, कब तक पार्टी का गठन होगा? नेक्स्ट वीक तक हम अपनी पार्टी का जो है गठन करेंगे। ठीक है, तो सर आप हमारे आरसपुरा क्षेत्र के रहने वाले हो, और आरसपुरा क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं को देखते हो आप, जो गंभीर समस्याएं प्रमुख समस्याएं हैं आरसपुरा क्षेत्र में? हमारी समस्या है सबसे बड़ी, आप देखते हैं हमारे बॉर्डर पे जब शेयरिंग होती है तो हमारे जमींदार जो है उनको पशुओं को उनको गोली लगती है, हमारे जवान बूढ़े माताएं बहनें जो है उनको आपने देखा कि कितने समय से गोलियां लगती हैं, हमारा कितना नुकसान होता है, तो वो लोग काफ़ी समय से जो आवाज़ उठाते हैं कि हमको प्लाट देना चाहिए, 5-5, 6-6 मरले जो भी उनकी डिमांड है हम उस पर उनकी आवाज़ उठाएंगे, और ये उनका हक बनता है, उनको समस्या होती है, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कुछ। दूसरा सर, बेरोजगार युवाओं की जो सीमावर्ती, खासकर आरसपुरा में भी इस सीमावर्ती एरिया के रूप में ही देखा जाता है, जहाँ पे युवाओं की हमेशा मांग रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की भर्ती होनी चाहिए, आर्मी की भर्ती होनी चाहिए और 8वीं पास होनी चाहिए ताकि उन्हें रोजगार मिले, इसे इस मुद्दे को आप किस प्रकार उठाओगे? बिल्कुल होनी चाहिए, वो सही मुद्दा है। हमारा जो है हमारे युवा जो है पढ़ लिख के जो है घूमते हैं, तो उसके लिए जो है बाकायदा उनको भर्ती करके उनको काम में लाना चाहिए, कुछ आर्मी में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, इससे हमारे जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो सही मुद्दा है, उनकी सही डिमांड है। सर, जम्मू संभाग खासकर आरसपुरा में भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि युवा हमारे नशों में की दलदल में फंसते जा रहे हैं, इसे लेकर आपकी पार्टी कोई अभियान चलाएगी? अभियान चलाएंगे, ये बहुत चिंता की बात है। हमने देखा अभी कि पिछले 1-2 महीने से ऐसा लगता है कि रोज ही सुनने को मिलता है कि भाई इस गांव में जवान लड़का मर गया है, दूसरे गांव में, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम आगे चल के अवेयरनेस अपने युवाओं में अवेयरनेस करेंगे उनको, और ये भी मुद्दा उठाएंगे। दर्शकों, आप तो देख रहे हो इनसाइड न्यूज़ अपडेट, और हमारे साथ जुड़ चुके थे जसमेर सिंह चौहाला, जो जल्द एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वह जल्द एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, और जो क्षेत्र के खासकर जम्मू संभाग के साथ जो भेदभाव होता रहा है उन्हें जोश शोर से उठाएंगे, खासकर युवाओं को रोजगार देने की तरफ भी उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा।